हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जहाँ पर आपको जो भी डाउट होगा आपको विद इन 24 आवर्स आपको सोल्यूशन का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज हम लोग डिटरमिनेंट का सोल्यूशन कर रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 4.1 4.2 हमने कंप्लीट कर लिया था, 4.4 का हमने आधा एक्सरसाइज कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चों कमेंट्स आया कि 4.3 के भी बारे में हिंट दे दीजिए, तो हिंट कर देना। क्वेश्चन 9 ही क्वेश्चन है तो उसका भी मैं छोटा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ, तो थ्योरी के साथ साथ आपके पास उसका सोल्यूशन भी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है उसमें थोड़ा सा अगर ब्रीफली उसके बारे में देखा जाए तो उसमें लोगों दिया है कि यूजेस ऑफ डिटरमिनेंट, इसमें आप कह सकते हैं यूजेस ऑफ डिटरमिनेंट, ये हम लोग का टॉपिक है। तो डिटरमिनेंट का जो यूज होता है सबसे मेनली यूज होता है कि अगर तीन पॉइंट दिए हो, पहला चीज हम लोग का यूज होता है कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, फिर दूसरा यूज होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और तीसरा यूज होता है एरिया ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, एरिया ऑफ फाइंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये तीन टाइप में है। तो ट्रायंगल का एरिया अगर जीरो होता है तो कोलिनियर होगा, और ट्रायंगल के एरिया से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम निकाल सकते हैं, यानी कि मेनली हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला है, मान लीजिए तीन वर्टेक्स आपके पास है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अगर तीन पॉइंट है तो इनका जो एरिया होगा ये होगा हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इसको आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। ये फॉर्मूला जिसको आपको लर्न करके दिमाग पर अच्छा रखना है, ठीक है। लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में आपको करा देता हूं। देखिए वर्टिसेस जो दिए हैं 2, 7, फिर दिया है 1, 1 एंड 10, 8, 1, 1 एंड 10, 8। तो जो एरिया होगा हाफ 2, 7, 1, 1 10, 8 1, 1, 1, ठीक है भाई। ये 1/2, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छोड़ा, 1 - 8 -7 1 - 10 +1 8 - 10। अब देखिए कितना जाएगा, 1/2 -7 ये -9 +63 और ये माइनस आपका हो जाएगा कितना भाई 2। तो इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 54/2 यानी कि 27 स्क्वायर यूनिट्स। ये लिखना मत भूलिएगा, स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा और ध्यान रखिएगा, इन केस मान लीजिए आपने सॉल्व किया डिटरमिनेंट में और एरिया आपका नेगेटिव आने लगा तो आप ये लिख दीजिएगा कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसको फिर आप क्या कर देंगे पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा जो वर्टिसेस दिया रहेगा वो वर्टिसेस को हमको लाइन से भर देना है और तीसरे वाले को 1, 1, 1 से फिल कर देना है। ये आपने लास्ट ईयर क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में भी किया होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ पर दिया गया। डिटरमिनेंट का यूज है, इसलिए यूजेस ऑफ डिटरमिनेंट करके एक एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज में दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट मैंने करा दिया है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं फिर भाई, बाकी एक पार्ट जो मैंने छोड़ा है। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है शो दैट द 1, 0, 6, 0 एंड 0, 0 आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 0 फिर 6, 0 एंड 0, 0 6, 0 एंड 0, 0 आर कोलिनियर। देखिए भाई फटाक से हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया अगर 0 आएगा तो हम लोग का हो जाएगा 1, 0, 6, 0, 0, 0, 1, 1, 1। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़े थे, एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट अगर 0 होंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0। अगर एरिया 0 हो गया यानी कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 होता है तो देन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। लिखा है भाई यूजिंग द डिटरमिनेंट डिटरमाइन वेदर पॉइंट्स दिस फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। भाई ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो उसका एरिया कुछ आएगा, अब अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा तो उसका एरिया कितना आएगा भाई 0 आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा दिमाग में अपने आप। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर, फटाक से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। a, b + c। देखिए भाई अब मैं क्वाड्रेंट लिख रहा हूं तो डिटरमिनेंट में डाल देता हूं, आप तो आप समझ ही गए होंगे। a, b + c फिर b, c + a फिर c, a + b 1, 1, 1, ठीक है भाई।
इसका एरिया निकालना हम लोग को, तो हम लोग करने जा रहे हैं क्या, सी टू रिप्लेस्ड बाई सी टू प्लस सी वन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, वन वन वन। देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया मैंने, बाई टू तो है ही हमारे पास, ए बी सी वन 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 वन, दो स्टेट आइडेंटिकल, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका जीरो। देखिए भाई जीरो आ गया, यानी कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए इसको जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताया जा चुका पहले भी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। देखिए बहुत आसानी से हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी इसमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए लिखा है यूनिट डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दीज आर द कोलिनियर। देखिए भाई कोलिनियर पहले से दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू जीरो है पहले से हमारे पास, कि कोलिनियर हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। अब डेल्टा की वैल्यू जीरो है, तो वन बाय टू ऑफ हम लोग सॉल्व करते हैं लैम्डा सेवन वन माइनस फाइव माइनस फोर फाइव वन वन वन, दिस विल बी जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा आपका। अब देखिए क्रॉस मिलकर गए तो खत्म हो जाएगा आपका। अब आप लैम्डा लिखे उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस सेवन हॉरिजॉन्टल वन प्लस फोर प्लस वन फाइव माइनस ट्वेंटी, ठीक है। अच्छा इसी ध्यान रखिएगा, एरिया जो होता है डिटरमिनेंट जो होता है पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन एरिया तो हमेशा निगेटिव पॉजिटिव में लिखते हैं, तो हो सकता है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा भाई। तो इसका हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। तो एक बार हम लोग जीरो के इक्वेट करेंगे, एक बार सेम और एक बार माइनस जीरो कर सकते हैं, लेकिन जीरो है इसलिए मॉडुलस का कोई यहाँ पे यूज नहीं रहता है। जैसे जब भी एरिया निकालते हैं तो एरिया में हम लोग को कुछ वैल्यू अगर निकालनी होती है तो हम लोग उसको हमेशा क्या लेते हैं, मॉडुलस में लेते हैं। मॉडुलस में लेने के पीछे रीजन ये है कि जैसे अगर ये हो सकता है फाइव है तो भी फाइव ही लिखा गया होगा, अगर ये माइनस फाइव आएगा तो भी फाइव ही लिखा गया होगा, तो हम लोग इसका क्या लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं ताकि दो वैल्यू निकले। लेकिन राइट हैंड साइड में जीरो है इसलिए मॉडुलस लेने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को जानते रहिए क्योंकि आगे हम लोग को किसी ट्रायंगल में एरिया दिया रहेगा और तब किसी स्केलर की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम लोग एक बार प्लस भी लेंगे एक बार माइनस भी लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग इस पर। तो माइनस टेन लैम्डा माइनस ट्वेंटी एट माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, माइनस टेन लैम्डा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा पंद्रह दुना तीस पैंतालीस फोर्टी थ्री, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस फोर्टी थ्री बाई टेन। बड़ा अजीब सा सोल्यूशन आ रहा है भाई, इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार कि हो सकता है कैलकुलेशन कोई गलती नहीं हो गई मेरे से। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सरसाइज फोर पॉइंट, गलती हो चुकी है, माइनस फाइव आंसर है, यानी कहीं कुछ गड़बड़ हो चुका है। पाँच ओहो, ये मैंने थर्टी फाइव होना है और ये फिफ्टी होना है, ये माइनस टाइम ऑफ फाइव होना है। अब मैं चेक कर लेता हूँ भाई आंसर एक बार कि सही अब आया कि नहीं, अब आ गया भाई सही। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाएगी तो आंसर मैच नहीं करेगा, तो कैलकुलेशन पर ध्यान देना है आपको, जल्दी जल्दी मत करिएगा जैसे मैं कर देता हूँ भाई जल्दी जल्दी में, क्योंकि समझ में ना आया क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारे पास फोर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, दो पार्ट में फटाक सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिएगा, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट वन कॉमा टू एंड थ्री कॉमा सिक्स। देखिए भाई इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है हम लोग को, तो सबसे पहले चीज याद रखिएगा दो पॉइंट हम लोग को दिया है और तीसरा पॉइंट जैसे हम लोग को बनने वाला ट्रायंगल का एरिया तो जीरो बनाना है, तो मान लेते हैं लेट थर्ड पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया तो जीरो होना है, तो हाफ ऑफ हमारे पास आ जाएगा कितना, वन कॉमा टू थ्री कॉमा सिक्स एक्स कॉमा वाई वन वन वन, दिस विल बी जीरो। बस इसी को आपको एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड करते हैं आपको फटाक से आंसर आ जाएगा। वन बाई टू तो क्रॉस मिल पाएगा, खत्म हो जाता है भाई, जैसा आप लोग जानते हैं सिक्स माइनस वाई माइनस टू थ्री माइनस एक्स प्लस वन थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो, सिक्स माइनस वाई माइनस सिक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग तो टू एक्स माइनस सिक्स एक्स यानी कि माइनस फोर एक्स, थ्री वाई प्लस वाई यानी कि
प्लस टू वाई प्लस सिक्स माइनस सिक्स कट गए इज इक्वल टू जीरो, दिस गिव्स टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। देखिए भैया आंसर आपका आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसका भी मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन गलती में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस सब में, जल्दीबाजी में करता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती हो सकता है। वाई इक्वल टू एक्स, हाँ ठीक है भाई, वाई इक्वल टू एक्स फॉर्म में लिखा कोई मतलब नहीं उसे। आते क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए लिखा है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस नाइन स्क्वायर यूनिट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। अच्छा ब्रैकेट में एस लिखने का मतलब आपको बताया जा चुका है, ब्रैकेट में एस लिखने का मतलब प्लूरल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सिर्फ अगर एस लिखा रहता वैल्यूज लिखा होता तो यानी कि प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, लेकिन वैल्यू के बाद ब्रैकेट में एस का मतलब सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। तो भाई सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दिया हुआ है कि नाइन स्क्वायर यूनिट्स है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग को पता है वन बाय टू ऑफ माइनस थ्री जीरो फिर तीसरा जीरो के फिर वन 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 दिस विल बी नाइन, तो ये हो जाएगा का मल्टीप्लाई 18। पहले माइनस थ्री लिखा जीरो माइनस के माइनस जीरो इंटू कुछ भी जीरो प्लस वन थ्री के इक्वल्स टू 18। ठीक है बन पाया तो मैंने आपको क्या लिखेंगे इसको हम लोग मॉडुलस में, याद रखिएगा इक्वल टू जीरो होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीरो नहीं इसलिए फर्क यहाँ पे पड़ जाएगा हम लोग के पास। ठीक है तो ये 3k प्लस 3k का मॉडुलस इक्वल टू 18, यानी कि 6k का मॉडुलस इक्वल टू कितना 18, तो 6k इक्वल टू 18 या 6k इक्वल टू माइनस 18, तो k इक्वल टू कितना 3 या k इक्वल टू कितना माइनस 3, याद रखिएगा भाई k की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी। ठीक है चलिए इसका भी आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपके पास सिक्स, सिक्स का आंसर है आपके पास है 3, -3। हाँ ठीक है भाई अब आता है सेवन और एट पे फटाफट, सेवेंथ और एट्थ। देखिए भाई सब ने एक ही चीज करना, किसी में शालक तो रहे सब ने एरिया और ट्रायंगल अगर दिया होगा तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, कुछ प्रूफ करने का होगा प्रूफ करेंगे हम लोग। ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन जो है सेम एक कम डिटो ही चिपका हुआ है, तो इसको आप ट्राई करिएगा अगर फंस जाता फिर हमसे पूछिएगा। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एट भी सेम ऐसा ही जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स है, तो एट्थ और नाइन्थ में करा देता हूँ, सेवन्थ आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, सेवन्थ आप ट्राई करिएगा, नहीं आता फिर हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा तो आपको सब सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे, ये आपको देखिए 35 दिया हुआ है। ठीक है एक्स की वैल्यू पता करनी है अगर ये 35 है तो। ठीक है चलिए फिर से भाई एक्स लिखा माइनस सिक्स माइनस फोर, माइनस फोर लिखा टू माइनस फाइव, फिर प्लस वन लिखा एट प्लस 30 इक्वल टू ये आपको कितना आ जाएगा भाई 70। फिर भाई मॉडुलस में लिखेंगे भाई इसको हम लोग, तो माइनस 10x ये हो जाएगा 3 प्लस 12 ये 38 का मॉडुलस इक्वल टू 70, ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 50 का मॉडुलस इक्वल टू 70, दो आंसर है माइनस 10x प्लस 50 इक्वल टू 70 या माइनस 10x प्लस 50 इक्वल टू माइनस 70, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस 2, ये सॉल्व करेंगे अगर तो उधर जाएगा आपका तो माइनस 120, 10 से डिवाइड होगा तो कितना जाएगा माइनस 12, यानी कि x वैल्यू 12, तो माइनस 2 एंड 12 दो ऑप्शन हो सकते हैं भाई। हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी ताकि पता रहे भाई सोल्यूशन हमने सही किया कि गलत कर दिया, माइनस टू एट ट्वेल्व। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर एट का भी आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर नाइन में जो पॉइंट दिस कोलिनियर प्रूफ दैट दिस, तो नाइन में कोलिनियर दिया हुआ, कोलिनियर का मतलब हो गया डेल्टा की वैल्यू जीरो हमको दी हुई है, तो वन बाई टू ऑफ हम लोग लिखते कोऑर्डिनेट ए जीरो जीरो बी, ए जीरो जीरो बी, और तीसरा हमको दिया कितना वन 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 वन, ये वैल्यू हो गई जीरो, ए लिखा उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ा बी माइनस वन माइनस जीरो कुछ भी आगे जीरो लिखा प्लस वन जीरो माइनस बी इक्वल टू जीरो, हो जाएगा ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, यह आ जाएगा आपका आंसर कितना ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। ठीक है ये आपका है क्वेश्चन नंबर नाइन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, एक छोटा भी था उसको मैं करा ही देता हूँ क्योंकि कोई टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा वो भी, तो आपके पास डाउट के लिए कुछ रहेगा नहीं, तो फिर आप डाउट के लिए कमेंट करेंगे इससे बढ़िया आपके पास उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, पहले छोटा सा साइज है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन लास्ट क्वेश्चन जो इसका है, देखिए हम लोग को दिया हुआ है एरिया दिया है फोर स्क्वायर यूनिट, अब वो डाइट लिख देते हैं वन बाई टू के जीरो फोर जीरो जीरो टू, यहाँ वन वन वन
इक्वल टू कितना आपको दिया भाई, 4 दिया है, हम इस तरफ एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन छूटा, कितना जगह भाई, ए माइनस 4 का मॉडुलस इक्वल टू 8, फिर से भाई, तो माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, इसका कोई ले जाते हैं तो है नहीं भाई, या तो जान ही रहे कि मॉडुलस के अंदर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 4 या तो 8 होगा, या 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 4 माइनस 8 होगा भाई, तो यहां से निकालेंगे 2k माइनस 8 इक्वल टू 8, यानी कि 2k इक्वल टू 16, तो k की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 8, इसे निकालेंगे तो 2k माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, माइनस 8 माइनस 8 कट गया, k की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0, 0 या 8, ये दो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, इसका भी मैं आंसर चेक कर लेता हूँ फटाफट से, तो आप लोग इसका भी आंसर आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा भाई, ये जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उसका भी आंसर आपके पास 0 एंड 8, ठीक है भाई, तो ये एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन हो गया, थ्योरी के साथ मैंने आपको बता दिया, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ, एक में हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, एक में कोलिनियर प्रूफ करना होता है, एक में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए थर्ड वर्टिस पॉइंट अपने मन से एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं और सेम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉर्म तभी होगा जब वो कोलिनियर होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास था क्या भाई, कि हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहा है, के की वैल्यू निकालना हो, के की वैल्यू निकालते हुए मॉडुलस का बात ध्यान रखिएगा, 0 हो चाहे ना हो मॉडुलस हमेशा लगा लिया करिए, क्योंकि मॉडुलस लगाने से आपको फायदा ही रहेगा, 0 होगा तो कोई रोल नहीं प्ले करेगा, 0 नहीं होगा तो रोल प्ले करेगा, और बाकी भाई कोविड के केसेस डे बाय डे जैसे आपको पता कि 4 लाख अगेन क्रॉस कर गए हैं, तो आप लोग भाई गवर्नमेंट की गाइडलाइन को जरूर फॉलो करिए, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन कुछ बनाया है जो उसको फॉलो करिए, प्रोटोकॉल क्या क्या भाई, सैनिटाइजर हाथ धोते रहिए और मास्क यूज करिए, बाकी घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट गाइडलाइन को जरूर फॉलो करिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।